ओडिशा के पुरी में स्थित विश्वविख्यात जगन्नाथ मंदिर में मिट्टी के 40 चूल्हे रविवार को क्षतिग्रस्त अवस्था में पाए गए। इन चूल्हों का इस्तेमाल महाप्रसाद तैयार करने में किया जाता था, जो भगवान को अर्पित किया जाता है। ये चूल्हे दुनिया की सबसे बड़ी रसोई लोसा घर में थे। जानकारी के अनुसार लगभग 300 क्विंटल चावल इस रसोई घर में रोज पकाया जाता है। मंदिर में तोड़फोड़ की जानकारी मिलने के बाद जिला कलेक्टर समर्थ वर्मा ने पुलिस अधीक्षक वीके सिंह के साथ घटनास्थल का दौरा किया था। जिला कलेक्टर ने कहा, रोसा घर में लगभग 40 चूल्हों के साथ तोड़फोड़ की गई है। हमने इस संबंध में एक रिपोर्ट मांगी है और इस घटना के लिए जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि घटना में शामिल लोगों की पहचान करने के लिए सीसीटीवी फुटेज खंगाले जा रहे हैं। पुलिस और मंदिर के अधिकारियों की ओर से एक संयुक्त जांच का आदेश भी जारी किया गया है। जिला कलेक्टर ने कहा कि इस घटना से फिलहाल श्रद्धालुओं को महाप्रसाद मिलने में असर पड़ेगा, लेकिन दो दिन के अंदर हालात सामान्य हो जाएंगे। रिपोर्ट्स के अनुसार 12वीं शताब्दी के इस मंदिर की रसोई में 240 पंजीकृत चूल्हे हैं, इनमें से 40 को नुकसान पहुंचा है। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मृदुभाषी से जुड़ने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। खबरों की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें।